Hey guys, what's up? Welcome back to our YouTube channel. Welcome back to a brand new vlog. So it is currently 5:30 in the morning and finally 12th is over. Like now that results have come out, I can clearly say that my 12th grade is over and my exams are also over, as I had already told you guys in my last vlog. So I just wanted to make this video to show you guys what am I exactly doing after my exams are over, because honestly speaking, it is a task to kind of decide and plan on what you're going to be doing after all your exams are over. Like the thing is that since the past 2 years, we've constantly been giving exams and nothing else. Like maybe summer vacations, there was nothing like that. So we just had exams all around, like even on vacations, even on holidays, like every single time, all we did was to give exams. But now that all of that is over, and many of you were like, "Ki, are you giving CUET?" So I'm not gonna be giving CUET. So that's the reason I can say that my exams are over. But to all of those who are actually giving CUET, wish you guys all the best. I'm sure you're gonna rock it. So yeah, the first thing that I do after waking up during a vacation. So the thing is ki maine ye decide kiya hai ki no matter my exams are over, no matter I have nothing to do in the morning, I would wake up at 5. Like I need to wake up early. So this is because ki agar I once again start waking up late, like at 9, at 10, so that's not a good thing I feel, and uske baad mujhe wapas se wo habit ko rebuild karne mein bahut time lag jayega, which I do not want to happen. तो इसलिए मैं अभी जल्दी उठने की हैबिट को कंटिन्यू रखना चाह रही हूँ. तो मैं धीरे धीरे आई स्टार्ट फिगरिंग आउट कि सुबह में और क्या क्या कर सकता है. सो हर दिन मेरा सुबह में ड्राइविंग क्लास होता है फ्रॉम 7 to 8. तो इसलिए इट इज़ गुड इफ आई वेकअप एट 5. उसके बाद मैं 2 घंटे एकदम रिलैक्स करती हूँ. आई इधर यू नो डू सम जर्नलिंग, आई जस्ट सिट बैक एंड जस्ट यू नो डू नथिंग फॉर सम टाइम, लाइक नो स्क्रीन टाइम एंड जस्ट सिट. सो दैट्स ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑनेस्टली इस पूरे टाइम में स्क्रीन टाइम इतना इंक्रीज हो गया है. सो यू नीड सम टाइम ऑफ योर डे वेर यू जस्ट डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ स्क्रीन टाइम ऑन यू. सो ये मैं करती हूँ, बट आज मेरा ड्राइविंग क्लास नहीं है, सो आई हैव अ हॉलीडे फॉर दैट. तो आई एम प्लानिंग कि आई वुड बी डूइंग एंड कम्प्लीटिंग माई कोडिंग का कोर्स. तो मैंने काफ़ी टाइम पहले एक कोडिंग कोर्स में एनरोल किया था एंड उसको काफ़ी टाइम हो चुका है और मुझे लगा कि मैं टाइम निकाल लूँगी, बट नहीं टाइम मिला. तो मैंने सोचा था कि जब मेरे एग्जाम्स हो जाएंगे देन मैं वापस स्टार्ट करूँगी. तो अभी मेरा वो कोडिंग कोर्स है, लाइक इट इज़ लाइव, तो आई कैन डू दैट एनी टाइम एनी डे लाइक ऑन माई कन्वीनियंस. तो मैं सोच रही हूँ मैं अभी 1 घंटा वो कर लेती हूँ. एंड उसमें क्या है कि इट इज़ अ सर्टिफिकेशन कोर्स, आई गेट अ सर्टिफिकेट वंस आई कम्प्लीट दैट कोर्स. सो दिस इज़ वन थिंग विच आई सजेस्ट यू गाइज टू डू, ट्राई डूइंग एज मैनी सर्टिफिकेट कोर्सेज एज यू कैन, बिकॉज कॉलेजेस में, प्लेसमेंट्स में, हर एक चीज़ में आपके वो सर्टिफिकेट्स बहुत काम आने वाले हैं एंड आपका 12th का रिजल्ट शायद कोई देखेगा भी नहीं. सो इसलिए इट इज़ बेटर कि आप अपने उस स्किल सेट्स को बढ़ाते रहो एंड यू नो गेट सर्टिफाइड कोर्सेज. सो दैट इज द थिंग दैट आई विल बी डूइंग. आई एम टेकिंग द सर्टिफाइड कोर्स इन पाइथन. सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो आई डू माई मॉर्निंग कोर्स. यू गाइस कैन क्लियरली सी हाउ मेस्ड अप आई एम एट द मोमेंट. तो आई विल डू दैट, आई विल मेक माई बेड, आई विल यू नो काइंड ऑफ क्लीन अप माई रूम, मेक इट अ गुड एनवायरमेंट एंड देन विल गेट स्टार्टेड विद द डे. You guys, monsoons are almost here, so the weather nowadays is so good. This is the best weather I feel, because दिन भर बारिश भी नहीं हो रही है लेकिन the weather is so cold and कहीं ना कहीं तो बारिश होती है जिसकी वजह से वो ठंडी हवा यहाँ तक आती है and then वो बारिश की खुशबू मुझे इतना पसंद है ना. तो ये overall like just look at how good this looks. ऐसे blue sky, nice clouds and then you know it's just all so pretty.
Hi guys, let me take a quick minute of yours and talk about this amazing book that I have come across since a long time now, but you know, I have been using it, so mujhe laga abhi this is the perfect time to talk about it. So basically, abhi bahut log 10th mein aaye honge recently, abhi bahut log 12th mein move in kiye honge. So main aap log ko ek aisa book recommend karti hu for 12th graders jo aap log ekdam acche se use kar sakte ho, and I'm very sure this is really going to help you all in your preparation, kyunki agar aap abhi se hi apna preparation constantly chalu rakhoge, tab jaake you know till the end of the year you'll be confident on giving your exam. Because 12th grade mein you have all those competitive exams, so aap continue 24/7 you cannot focus on your board, so you it's better that you start preparing from now. So iske liye I have this book which is the Oswald Publishers ka class 10 years ka solved papers ka book. So 12th mein na PYQs and past sample papers करना बहुत important होता है, because literally आप बोल सकते हो बहुत questions, maximum questions, unless and until CBSE you know goes crazy, it comes from the past year sample papers only. तो आप इसमें कर सकते हो, you can you know solve it, इसमें सारे solved वाले papers भी होते हैं, मतलब actually सारे solved रहते हैं, you get all your answers उसमें, तो आप उनके answers देख सकते हो, and you know सॉल्विंग पेपर्स इज बेस्ट फॉर योर टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो, बिकॉज 12th ग्रेड में क्या होता है, यू हैव सो मच ऑफ कॉन्टेंट दैट यू हैव टू मैनेज योर टाइम बेटर. तो उसके लिए यू हैव टू कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस गिविंग मॉक टेस्ट सैम्पल पेपर्स, तो उसके लिए दिस बुक इज रियली गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर टाइम मैनेजमेंट. एंड मतलब आपको सारी चीजें पता नहीं करेगा, टाइम मैनेजमेंट ही नहीं होगा ना, सो यू विल एंड अप लूजिंग सो मेनी मार्क्स. तो दैट वॉज वन थिंग, एंड ऊपर से इसमें जो आंसर्स गिवन रहता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे हैं, तो फिर आप उसको देखोगे तो यू विल गेट एन आइडिया नो how you have to present your answer, what all points are to be included. So it is very helpful in all aspects, may it be your answer writing skills, may it be your question solving skills, it's really going to help you out in there. This is going to be for your 2025 examination jo aap log is saal dene wale ho. I gave the 2024 exam and now you guys are going to give the 2025, and I think this is really really helpful for all the students out there who are in 12th grade currently. Isme sare outside Delhi and Delhi ke bhi sets included rehte hai, to aapko ek overall idea lag jata hai ki kaise kaise questions aate hain boards mein. And uske baad Oswald.io, ये भी एक रिसोर्स है Oswald Publishers की तरफ से जो आप यूज कर सकते हो. उसमें आप बेसिकली यू कैन क्रिएट योर वेरी ओन मॉक टेस्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द पोर्शन दैट यू वांट टू टेस्ट फॉर यू, एंड ये बहुत ही हेल्पफुल होगा वही आपका टाइम मैनेजमेंट टेस्ट करने के लिए, बिकॉज होल एंटायर सीबीएसई एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन टाइम मैनेजमेंट. तो इसलिए आई रियली रिकमेंड यू गाइस टू इवन चेक आउट Oswald.io एंड ऑल्सो दिस बुक. सो आई मेक श्योर टू लिंक एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो, मेक श्योर टू गो एंड चेक इट out, it helped me a lot and I'm sure it'll help you all too. So yes, now let's move on further into the vlog. So guys, abhi next task hai that I'll sit and do my coding wala course jo main kar rahi hu, python ka course main soch rahi hu abhi kar leti hu. 1 ghanta ya something I'll give to it, I'll complete 1 or 2 lectures of it, and usme kya hota hai na, they give you a lecture and uske baad usme questions hote hai jo aapko complete hone hote hai, to wo complete hone ke baad you can move on to the next lecture. So I'll do that, dekhte hai kitna time lagta hai approximately, and yeah, I'll meet you guys once that's done. A few hours later.